भारत के इतिहास से अब हटा दिया जाएगा अल्पसंख्यक शब्द। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। क्या भारत में अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा को दोबारा बदलने की जरूरत है? क्या उस पर पुनर्विचार की जरूरत है? जी हाँ, ये बात मैं नहीं बल्कि ये बात कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर मौलाना मदनी के एक बयान को कोट करते हुए इस बात का जिक्र किया है। मौलाना मदनी ने एक अपने जो देवबंद में जो उनका एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हम अल्पसंख्यक अब नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक ना रहने वाली बात को गिरिराज सिंह ने पकड़ लिया और कहा कि अब भारत में अल्पसंख्यक शब्द के पुनर्विचार का सबक आ चुका है और भारत में एक बार फिर से पुनर्विचार की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। अपने इस बयान में अल्पसंख्यक शब्द को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं और उसके बाद आपको उसके सियासी मायने भी समझाएंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि देश में अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार होनी चाहिए, कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा को पुनर्विचारित करने की जरूरत है। जब मदनी खुद कह रहे हैं कि मैं तो अब अल्पसंख्यक नहीं हूँ, तो अल्पसंख्यक शब्द को हटा देनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि देश में धर्म परिवर्तन का एक सख्त कानून होना चाहिए। आज प्रदेश बिहार सरकार के जो जनगणना, जातीय जनगणना की बात, तो जातीय जनगणना से मुझे कोई, मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए, क्योंकि फायदा लेते हैं जातीय जनगणना में हो। जातीय जनगणना में 11 जिले को 1991 में राजेंद्र गुप्ता और जनार्दन यादव ने पिटीशन दिया था कि जो लोग विदेशी हैं उनके नाम को, और समय शायद मेरे ध्यान में आ रहा 3-4 लाख मतदाता सूची से नाम काटे गए थे। आज मैं कहता हूं उस पर भी जातीय जनगणना में उनको नहीं शामिल करना चाहिए। जो घुसपैठिए हैं राजनीतिक दृष्टि से भले जो कह लें, लेकिन जातीय जनगणना से उनको, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठिए हों, चाहे 1991-92 में निकाले गए जो हैं उनके परिवार को भी उस जातीय जनगणना में नहीं शामिल करना चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि देश में अल्पसंख्यक पर पुनर्विचार हो। तो सुना आपने कि कैसे गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर बताया कि अल्पसंख्यक शब्द को पुनर्विचार करने की जरूरत है, उसे पुनर्भाषित करने की जरूरत है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि मुसलमान यानी मुस्लिम समुदाय के लोग अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं, यानी अल्पसंख्यकों का दर्जा उन्हें मिला हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन्हें आरक्षण भी मिला हुआ है, कई चीज़ों में उन्हें ज़्यादा तवज्जो भी दी जाती है। और इसी को निशाना बनाते हुए कहीं ना कहीं मौलाना मदनी के बयान को रेफरेंस के तौर पर लेते हुए गिरिराज सिंह ने बात कह डाली है। और अगर उनसे अल्पसंख्यक शब्द यानी अल्पसंख्यकों का दर्जा ले लिया जाता है तो अब फिर उनके पास से जो आरक्षण है उसको भी कम कर दिया जाएगा, जो उन्हें अलग से जो कोटा मिला हुआ है उसको भी कम कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि अगर इन सभी मुसलमान समुदाय से अगर इन सभी चीज़ों का दर्जा ले लिया जाता है तो देश में फिर से एक और नया सियासी बवाल मचता हुआ खड़ा होता नजर आएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए और आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।